इसके बाद हाशिया लगाना। इश्फाक साहब, मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो मार्जिन उन्हें लगाना नहीं आता। इतना आसान सा काम है, जिस तरफ से आपने लिखना हो उस तरफ आप तीन जो है ये गुना आप हाशिया जो है ये छोड़ेंगे, मार्जिन छोड़ेंगे, और जिस तरफ आपने एंड कर रहे हैं उधर आप एक गुना छोड़ेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर इधर रख लें, 1 सेंटीमीटर उधर लगा लें। उर्दू के लिए और तमाम उर्दू के रिलेटेड जिनमें उर्दू आपने लिखना है उनके लिए ये हाशिया। इंग्लिश के लिए आप क्योंकि बाएं से दाएं लिखते हैं तो बाएं तरफ 3 सेंटीमीटर, दाएं तरफ 1 सेंटीमीटर से जो है वो पेपर का जो है ना वो खूबसूरती भी खूबसूरती होती है और इंसान जो उसके अंदर तालिब इल्म जो है बड़ी आसानी के साथ उसके अंदर उसी के अंदर रह के वो जो लिखता है और प्यारा भी लगता है, और यकीनन जो पेपर चेक करने वाले हैं एग्जामिनर हैं उसको भी अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये है कि मार्जिन जो मैथमेटिक्स का मार्जिन है वो ये है कि आप जो है वो बाईं तरफ जो आपका जो है दायां हाथ जो है इस तरफ आप जो है ये 6 सेंटीमीटर के बराबर एक डब्बा खाली छोड़ दे जिसमें आपने रफ अमल वगैरह करना हो, बाकी आपका जो है ये उसी तरह हाशिया होगा जिस तरह के है। अच्छा, ये रफ अमल जो है अभी आपने बताया ये कच्ची पेंसिल के साथ करना चाहिए या जब आप मैथमेटिक्स के पेपर में एक खाना एक मार्जिन छोड़ देते हैं ना कि ये रफ अमल के लिए, तो अब ये आपकी स्वाबदीद पर है कि आप उसमें जो है ये लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, पेन इस्तेमाल करते हैं, उस पर किसी को कोई टेंशन नहीं है कि आपने ये काम क्यों किया है। रफ का मतलब ये है कि आप अपने आपने अपने लिए ये खाना छोड़ा हुआ है, एग्जामिनर को उससे कोई लेना देना नहीं है, एग्जामिनर को जो काम भी करना है वो असल खाने में करना है।